नमस्कार फ्रेंड, मैं प्रेमिला आईएनडी चैप में आपका स्वागत करती हूँ। आज ही बहुत ही मैं टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और आसान तरीके से। पत्ता गोभी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने का तरीका है। इस नाश्ते को कभी ना बनाया होगा ना कभी खाया होगा, तो एक इस चीज़ से हम बनाएंगे फ्रेंड्स। ये आलू हमने लिया है, आलू को छील लिया है अच्छे से और इसे कट कर लिया है इतने बड़े बड़े साइज में, और हमने कुछ मटर ले लिया है। तो आप इसी तरह से पहले आलू को छील कर और साथ में मटर दोनों को ले लेना है, तो नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है और कढ़ाई के अंदर एक गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद गैस को ऑन कर लेंगे। तो गैस मेरा ऑन हो गया है, साथ में एक जो हमने आलू लिया था इसे कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, ये अच्छे से बॉयल हो जाए और पक जाए। फिर इसके ऊपर एक छन्नी लगा लेंगे, छन्नी के ऊपर एक ढक्कन लगा के ऐसे कवर कर लेंगे। एक पत्ता गोभी लिए यहाँ पर, पत्ता गोभी को अच्छे से हमने धो के साफ कर लिया था। तो ये पत्ता गोभी को एक एक कलियाँ जो होती है ना फ्रेंड्स, तो इसी को हमें एक एक कलियाँ को ऐसे निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड इसे अच्छे से, तो ऐसे एक एक कलियों को हम निकाल लेंगे। ये जो पत्ता गोभी है इसी तरह एक एक कलियों को पहले निकाल लेते हैं। इसे हम धो के अच्छे से साफ कर लिए हैं, तो आप जब भी इसे बनाना धो के पहले अच्छे से साफ कर लेना। और इसी तरह से एक एक निकालेंगे, तो ऐसे ही एक एक पत्ते गोभी को जो हमारे पत्ते हैं निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देख पा रहे होंगे सारे पत्ता गोभी को मैंने एक एक कलियां इसका निकाल लिया है। तो इसे ढक्कन को हटा लेंगे और इसे पानी के जो हमारा ये छन्नी है ना इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक इसे हम पकाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे एक एक कलियां जो है डाल लेते हैं इसके अंदर ऐसे, साथ में मेरा आलू भी पक जाएगा और मटर भी पक जाएगा और मेरा पत्ता गोभी भी पक जाएगा। तो फ्रेंड इस ट्रिक से बनाएंगे तो गैस का भी बचत हो जाएगा और ये दोनों चीज़ हमारे पक भी जाएंगे, जैसे पत्ता गोभी साथ में मेरा आलू और मटर। तो इसे ढक के छोड़ देते हैं, सॉफ्ट होने के बाद इसे हम निकालेंगे बाहर पत्ता गोभी के पत्ते को। तो फ्रेंड ये मेरे पत्ते गोभी सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं पत्ते गोभी को। आलू को भी चेक कर लेते हैं कि आलू मेरा पका कि नहीं पका है। एक हम स्पून उठाएंगे और आलू को दबा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड आलू भी पक गया है हमारा, गैस को बंद कर लेते हैं और आलू को ठंडा कर लेते हैं। फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे आलू मटर को हम बाहर निकाल लिए हैं। आप इसे इसी तरह से आप इसे गर्मा गर्म इसे मैश कर लीजिए, मटर को भी साथ में और आलू को भी। तो हम इसी तरह से इसे मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू मटर के अंदर कटा हुआ लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप अगर खाते हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। आधा टेबल स्पून से कम हल्दी डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला, आधा टेबल स्पून से कम ये भी है। साबुत जीरा डालेंगे, आधा टेबल स्पून से कम ये भी है। कटी हुई धनिया डालेंगे, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे इसके अंदर और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स, तो शुरू से लास्ट तक इसे ज़रूर देखना इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये हमारा नमक हो गया मिक्स, अब इसे रख लेते हैं साइड में। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून लिया है बेसन, 1 टेबल स्पून और ले लेंगे बेसन। 3 टेबल यहाँ पर अब लेना है बेसन और बेसन के अंदर कुछ मसाले ले लेना है। तो ये हमने लिया हल्दी, आधा टेबल स्पून से कम है फ्रेंड हल्दी। साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर है, अगर आप लाल मिर्च पाउडर खाते हो तो डाल सकते हो फ्रेंड, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आप डालो। और साथ में ये व्हाइट वाला तिल डालेंगे फ्रेंड्स, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर भी नमक लेंगे, और आलू और मटर के अंदर हमने नमक लिया है तो नमक इसके अंदर हम कमी लेंगे।
अब इसके अंदर हम डालेंगे हींग 2 पिंच। फ्रेंड्स हींग जरूर डालें, मैं बार बार वीडियो में बताती रहती हूँ कि हींग डालना ना भूलना, इसलिए फ्रेंड्स एसिडिटी वगैरह नहीं बनेगा हींग डालने से, तो हींग जरूर डालें। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक अच्छा सा हम इसे घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड जब भी बेसन लेना तो पहले छान लेना, तभी लेना बेसन। तो बेसन को पहले से ही मैं छान के रख लेती हूँ, फिर इसके जब बनाना होता तो छानना नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, तो इसे लगातार हम घोलते भी रहेंगे, स्पून को चलाते रहेंगे, इस तरह घुमाते रहेंगे गोल गोल, कि एक अच्छा सा हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इसका पेस्ट। थोड़ा से और पानी लेंगे इसके अंदर, ये देखो मेरा कितना अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से पेस्ट बनाना है, बिल्कुल अच्छा सा, देखो ये देखो इसी तरह से हमें पेस्ट चाहिए, तो जैसा चाहिए वैसा बन के तैयार हो गया है। तो आगे का और काम शुरू करते हैं फ्रेंड बनाना। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स एक हम ऐसे पत्ता गोभी लेंगे, जो हमने पत्ता गोभी ये लिया है, इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। और जो हमने स्टफिंग बनाया फ्रेंड्स, इसे हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही ले रहे हैं। और इसे हम बंद कर लेंगे ऐसे घुमाते हुए, तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, और इसे साइड में रख लेंगे। एक और बना के मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, इस तरीके से आप इस नाश्ते को बना सकते हो। फिर एक हम पत्ता गोभी लेंगे पत्ता, और एक पत्ते को हटा दे रहे हैं, इसमें 2 पत्ते हैं। तो इस तरह से पत्ता गोभी को लेना है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर फिर हम ले लेंगे स्टफिंग को, और इसे बिछा लेंगे। और फिर इसे, ये हमारा सॉफ्ट हो गया है पत्ता, फिर ऐसे हम बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें बना के तैयार करना है नाश्ते को। तो फ्रेंड हमने ये तेल पहले से रख लिया था, गर्म हो गया है, तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं फिर से इसे। और ये जो हमारा पेस्ट है फ्रेंड्स, ये बेसन का, अब इसके अंदर एक हम डाल के इस तरह से लपेट लेंगे ऐसे ही। अब लपेटने के बाद इसके अंदर हम कढ़ाई जो तेल गर्म किए हैं इसके अंदर डाल लेंगे। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स हमने 2 डाला है, गैस को मीडियम रखे हैं, और इसे सुनहरा होने तक हम पकाएंगे एक तरफ पहले। तो अब साइडें इसके चेंज कर लेते हैं, और इसकी भी साइडें चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें पकाना है सुनहरा होने तक। साइडें चेंज हो गया फ्रेंड, इसी तरह बना लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं इसे। तो फ्रेंड ये मेरा फ्राई हो गया है, और एक एक करके हम इसे तेल निचोड़ते हुए बाहर निकाल लेंगे, अच्छे से इसका तेल निचोड़ लेंगे ऐसे ही बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी के बचे हुए ऐसे ही तल लेते हैं। तो फ्रेंड मेरा ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो आप इसे बहुत ही सरल और आसान तरीके से ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है, तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई करना, और इसे बना के खाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये नाश्ता की रेसिपी हमारी कैसी लगी। अगर नाश्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नाश्ता की रेसिपी कैसी। फ्रेंड अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, पुराने अगर हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड इसे मैं चटनी से खाने जा रही हूँ, आप किस चीज़ से खाना पसंद करोगे? धन्यवाद।